कबीरधाम जिले में लगातार हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में कोई कुकदूर थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है, जिसमें महिला की जली हुई लाश को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मृतक महिला का नाम सकीना बाई है, जो घर पर अकेली रहती थी। दोपहर में जब अचानक महिला के घर से आग की लपटें निकली, तब आसपास के लोगों ने अग्निशामक वाहन की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की। घंटों मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफल हुए। तत्काल पुलिस ने अंदर जाकर मुआयना किया। महिला की लाश पूरी तरह से जल चुकी थी। फिलहाल महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मैम, कबीरधाम जिले में लगातार हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में कोईकोदूर थाना क्षेत्र की खबर आई है, जिसमें महिला की जली हुई लाश मिली है। मैम, इस घटना के बारे में बताइए। विगत दिनों में एक सूचना थाना कुकदूर को प्राप्त हुई थी, जिसमें घर में ही एक महिला की डेड बॉडी जली हुई हालत में प्राप्त हुई थी। और इस सूचना पर वहाँ मौके पर कुकदूर थाने की पुलिस पहुँची थी, साथ में वरिष्ठ अधिकारीगण, FSL की टीम, डॉग स्पॉट सभी वहाँ पहुँचे थे। और इस प्रकरण में अभी तफ्तीश जारी है, सुराग हासिल किए जा रहे हैं और विवेचना लगातार की जा रही है। पंडरिया थाना क्षेत्र में भी हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस प्रशासन अभी तक इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है। पुलिस प्रशासन इस मामले में कहां तक पहुंची है, और आपसे सवाल ये भी है कि आगे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन क्या कदम उठाएंगी? इस प्रकार का एक मामला पंडरिया में भी सामने आया है, जिसमें खुले हुई छत के नीचे एक व्यक्ति सोया हुआ था और किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से उसको वार किया गया है और मौके पर उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में भी अभी लगातार जांच की जा रही है, क्योंकि ये जो मामले सामने आए हैं ये ब्लाइंड मर्डर के केस हैं और इसमें थोड़ा प्रयास किया जाना ज़रूरी है। और इसमें टीम लगी हुई है, लगातार जांच की जा रही है और शीघ्र ही इसमें हमें कुछ अच्छा सुराग भी मिलेगा और हम इसमें उचित कार्रवाई भी करेंगे। घटनाएं हो रही हैं, सामने आ रही हैं, लेकिन बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें हमने लगातार प्रयास करके बहुत ही चंद घंटों में भी उसको निराकृत किया है। और ऐसे ही दो ब्लाइंड मर्डर अभी सामने आए थे, जिसमें तुरंत ही कार्रवाई करते हुए उसको आरोपी को हिरासत में भी लिया गया। ये भी प्रकरण है, थोड़े टफ हैं, लेकिन विवेचना लगातार जारी है, टीम लगी हुई है और इसमें विवेचना के लिए स्पेशलाइज टीम का गठन भी किया गया है। तो शीघ्र ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जल्द ही आरोपी तक पहुंच सकेंगे।